आपके 5 दिन बहुत क्रूशियल है जी और मैं आपसे सहमत हूं, इसमें दंगे भी हो सकते हैं। जी हाँ अब ये जैसे मैंने कहा ना, इनकी स्ट्रेटेजी रही है 2001 में जब मैंने रिजाइन किया जी और बाय इलेक्शन हुए तो मिस्टर नरहर अमीन वॉज अ कांग्रेस कैंडिडेट। जी तो ये इससे आपको पता चलेगा ये लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर। जो भी अहमद पटेल का हुआ वही 2 दिन चुनाव के पहले मुझे नरहर अमीन साहब का फोन आया कि जल्दी आ जाओ सुबह 8 बजे। जी तो मैं 8 बजे पार्टी ऑफिस गया, चुनाव कार्यालय। बोले कोई कांग्रेस में साले मुसलमान नेता ऐसे हैं जो मुझे हराना चाहते हैं, 16 हाउसिंग और वाड़ज हाउसिंग जो कि स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व हार्ड लाइन बस्ती है, जी हाँ वहां पर 100 से ज्यादा मुसलमान उतर पड़े हैं और ऐसे सलाम अलैकुम नरहर अमीन साहब को वोट दे के ऑब्लाइज करिए, ऐसे पत्रिका बांट रहे। तो मैं हंसा, जी मैं कहा 500 आदमी को बुला लो और इनको पकड़ के ले आओ। जब उनको पकड़ के ले आए इनमें से 30-40 लोगों को, सारे हिंदू थे, मुसलमान टोपी पहने थी, 3 महीने पहले ट्रेनिंग दी गई थी, आप जैसी दाढ़ी बना के रखे थे वो लोग, मुसलमान दिखे ऐसे। और मैंने तो देखा ना, जिस दिन मोदी भाजपा में आए संघ से, उस दिन हमने पहले ही दिन देखा था सरसपुर मंदिर में दो मुसलमान आए, दो पटेल थे, मैं जी जी जानता हूं उन दोनों को, मस्ती से हड्डियां रखी मंदिर में, फिर आधा किलोमीटर दूर चले गए, फिर यहां 500 लोगों ने जोर जोर से बोलना शुरू किया, वो मुसलमान आए, हड्डी रख के गए, हड्डी रख के गए, और कम्युनल राइट्स हो गए। जी वही साबरमती बाई इलेक्शन में करने गए, जी मैंने पकड़ लिया। वही हार्दिक की सभा में 50-100 मुसलमान को भेजा, मुसलमान नहीं थे, टोपी जी पहन के भेजा था। और दूसरे दिन अमित शाह का स्टेटमेंट आ गया, दूसरे दिन आ गया, वो तो मुसलमान भी थे, कांग्रेस स्पॉन्सर थे। हाईलाइट कराई मैंने और सारे के सारे हिंदू निकले। आज राजकोट के सारे अखबार देख लो आप, आज ही छपा है। जी जी वो जो सारे मुसलमान थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे।